हेलो फ्रेंड्स, जीएसएम हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास है आईफोन 11। इसमें आप देख सकते हैं फ़ोन इज़ डिसेबल हो गया है। तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 3U टूल्स या फिर आईटून टूल्स, और उसकी फ्लैश फाइल आईओएस फाइल चाहिए। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट 3U टूल्स के थ्रू भी आप आईओएस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले फ़ोन को रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन दबाना है, फिर पावर बटन कंटिन्यू दबाना है। पहले USB केबल अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। अभी जो मैंने रिकवरी मेथड बताई वो सिर्फ आईफोन 11 के लिए है। सब फ़ोन में अलग अलग रिकवरी में ले जाने के लिए मेथड होती है। तो आप इंटरनेट से आसान से सर्च कर सकते हैं। USB केबल हमने लगा दिया है। अब वॉल्यूम अप बटन दबाना है, डाउन दबाना है, उसके बाद पावर बटन दबाना है। पावर बटन दबा के रखना है जब तक रिकवरी नहीं आ जाता। होल्ड करके रखना है जब तक रिकवरी नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन को इस तरह आप रिकवरी में ले जा सकते हैं। तो 3U टूल्स में बता दिया है डिवाइस कौन सा है। उसके बाद आपको गो फ्लैश पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो भी फाइल चाहिए वो डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो रिटेन यूज़र डेटा, तो उसका मतलब यही होता है अगर आपके फ़ोन में डेटा इम्पोर्टेंट है तो आप ये ऑप्शन को टिक करके डेटा सेफ रख सकते हैं। लेकिन अगर फ़ोन लॉगो से हैंग होता है, या तो पिन कोड होता है या तो पासवर्ड होता है, उससे नहीं होता। अगर आपका फ़ोन लॉगो से हैंग होता है तो ही ये ऑप्शन काम करेगा। यहाँ पे फ़ोन में प्रॉब्लम था, आईफोन डिसेबल था। तो हम क्विक फ्लैश मोड पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। इसलिए हम क्विक ऑप्शन पे क्लिक करके ट्राई करेंगे। उसके बाद हमने जो फाइल डाउनलोड की है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर फ्लैश पे क्लिक करेंगे। फ्लैश पे क्लिक करना है, वेट करना है जब तक फ़ोन फ्लैश नहीं हो जाता।
तो इस तरह आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ़ोन चालू हो गया है। अब ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर आता है, क्लाउड आईडी आता है, तो क्लाउड आईडी ऐड करके आप फ़ोन नॉर्मल चालू कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल GSM हेल्पफुल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।